सीबीएसई 10वीं के नतीजे जारी हुए। वैसे तो अब कई दिन गुजर चुके हैं। टॉपर, जिला टॉपर और सबसे अधिक सफलता देने वाले स्कूलों के बारे में आपने जान लिया होगा, लेकिन हम आज आपको एक छोटे स्कूल के बड़े होने की कहानी दिखाने आए हैं। अथक प्रयास के दम पर शानदार सफलता की कहानी बताने आए हैं। दरअसल आज हम आपको दरभंगा शहर के पुअर होम के निकट स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर के बारे में बताना चाहते हैं। आप में से बड़ी संख्या में ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने कभी इस स्कूल का नाम पहले नहीं सुना होगा। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के आसपास खुला ये विद्यालय किसी तरह जूझते हुए अपने आप को स्थापित करने में सफल हो गया। अपने शिक्षण तकनीक, वातावरण और आचरण से आसपास के अभिभावकों का भरोसा भी इस विद्यालय पर बढ़ता रहा। 100-200 के बाद इस विद्यालय में अब कुल छात्रों की संख्या 500 के पार जा चुकी है। अभिभावकों के बढ़ते भरोसे को चुनौती के रूप में लेते हुए विद्यालय प्रशासन ने अपना प्रयास अपने छात्रों की बेहतर शिक्षा के ऊपर झोंक दिया, जिसका नतीजा है कि इस वर्ष इस स्कूल के 14 छात्र दूसरे विद्यालय के सहयोग से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इनमें से 4 छात्रों ने 90% के आंकड़े को पार कर दिया। बाकी के छात्रों ने भी अच्छी सफलता पाई है। अपने शिक्षक और छात्रों की मेहनत पर विद्यालय प्रबंधन में खुशी है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में शानदार सफलता पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? अभिलाषा। कितना मार्क्स आया था? सर अप्रॉक्स 90%। अच्छा, आप डीपीएस मिर्जापुर में हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरह से पढ़ाई होती है? सर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक डाउट को क्लियर करते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। दरभंगा में और भी डीपीएस है, उसके मुकाबले डीपीएस सर ये सारे डीपीएस में पढ़ना तो अलाउड नहीं है। एक ही डीपीएस में पढ़ा तो लगा कि ये स्कूल अच्छा है। अब सारे डीपीएस की बात कैसे कर सकते हैं? यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, क्या किस तरह से पढ़ाते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? सर यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है और टीचर्स भी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ जहाँ पर भी जो डाउट है वो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी हो सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो संडे को भी किया जा सकता है। मेरा नाम शादना कुमारी है। अप्रॉक्स 90%। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। यहाँ पे हर डाउट्स को क्लियर किया जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। किस तरह से टीचर पढ़ाते हैं जो आप लोग टीचर हमें मतलब कि हर एक पॉइंट बताते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ें हो या फिर बड़ी सी चीज़ें हो, और कहीं भी डाउट होता है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाते हैं, तो ऐसे हमारे टीचर कोऑपरेट करते हैं। मैम आपके स्कूल से कितने स्टूडेंट ने इस बार अच्छा रिजल्ट पाया? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काजल झा, प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस के तरफ से मिथिला लाइव 24 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास अभी इस सेशन में बिकॉज ऑफ आवर स्कूल इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम 2020 एंड ड्यू टू द कोरोना टू ईयर्स वॉज देयर वॉज टू लेस स्टूडेंट्स, बट इन दिस ईयर अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट्स वॉज देयर एंड अमॉन्ग देम 4 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अप्रॉक्स 90%। डिफरेंट अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो हमारे स्टूडेंट सानिधि सत्या, जिनका मैथ्स में 95% मार्क्स है, अभिलाषा कुमारी हिंदी में उनको 95% मार्क्स आए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम साधना की, है ना, तो साइंस में उनका जो है 95 मार्क्स है। उसके बाद मीनाक्षी और भी सभी बच्चों ने, हमारा 100% रिजल्ट हुआ है। सभी बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। उनके साथ साथ हम हमारे जो फैकल्टीज मेंबर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, सो उनका हार्डवर्क कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट में दिखा है। मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगी हमारे विद्यालय के जो डायरेक्टर है इंजीनियर मंजूल आलम सर का, कि सर का जो स्कूल के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है प्लस अटेंशन है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। पूरे सेशन में हमने हमारे बच्चों को पूरे साल पढ़ाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में क्या होता है ना, कि दिसंबर के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आफ्टर द दिसंबर वेन एवर दे हैव एनी टाइप ऑफ नीड वी कोऑपरेट देम। तो पूरे ईयर हमने उनके पीछे मेहनत की है, कहीं ना कहीं बच्चों की भी मेहनत है और साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं
उनकी भी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने में केवल एक स्कूल का ही कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है। उनकी जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है, उनके माता है, पिता है या जो भी गुरुजन होते हैं वो सभी कोऑपरेट करते हैं, तभी एक बच्चे का जो है अच्छा रिजल्ट हो पाता है। तो मैं सभी के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, तथा हमारे जो फैकल्टीज़ मेंबर हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमारे जो हम उम्मीद करे थे उनसे इस पे वे खड़े उतरे हैं। और हम चाहेंगे कि अपकमिंग ईयर्स में जो अभी हमारे इस सेशन में भी काफ़ी बच्चे हैं और उनके प्रति भी हमारा इसी तरह का ध्यान रहेगा, ताकि हम चाहेंगे कि नेक्स्ट सेशन में वी प्रोवाइड मोर बेटर रिजल्ट दैन दिस ईयर वी हैव गिवेन। सो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, प्राउड हूँ हमारे स्कूल के बच्चों को लेकर के, और मैं उनके भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल कामना करती हूँ। बस धन्यवाद।